मैं दो मिनट में जो है वो अपना नुक्ते नजर आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हमारे पास बहुत सारी चीजें फर्ज करो, फर्ज हकीकत में जीरो होता है, फर्ज करो ला ला बराबर है जीरो। ये जो अलहक की जो बात है ये फर्ज है, मतलब ये ला कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, आर्मी चीफ साहब का भी बड़ी तारीफ की गई है, उसका शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन वो इलाका फौजी इलाका होने के नाते उन्हें हमारी पूरी मदद करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में फौजियों का कोई बड़ा इंटरेस्ट इंग्लिश में पब्लिकली नहीं है, मैं उसको भी नहीं मानता। तीसरी बात, सरताज अजीज साहब, पता नहीं ये गिलगित बल्तिस्तान के मामला को कोई सरताज अजीज, कोई फर्द, कोई कलरक, कोई आदमी बनाए हैं क्या, हमें मंजूर होगा? हमें तो आजादी भी दे तो हम नहीं मानते। जो कुछ भी है वो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली लोगों के मुंतखब नुमाइंदों के पास उसको पास कराना चाहिए, उसके बगैर हमें कोई चीज मंजूर नहीं। ये बातें मैं इसलिए कहता है कि मेरे साथियों के साथ इन बातों का मेरा इख्तलाफ है, लेकिन मैं कौम का फर्ज हूँ, मैं आपके साथ इनके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस वजह से मेरे नजदीक, मुझे पता है जनाब अली की पाकिस्तान की पार्लियामेंट ना इस पर बहस कर सकती है, न कोई बिल ला सकती है, न कोई फैसला कर सकती है। अल्टीमेटली होगा अकवाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, ये हुकूमत पाकिस्तान का भी मौकूफ है और हुकूमत पाकिस्तान की ये मजबूरी है। मजबूरी कहीं से नहीं है, वो ये किसी से नहीं डरते, कुछ भी नहीं है, ये इनकी अपनी पॉलिसी रास्ते में है। जो भी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दे रहे, ये हुकूमत पाकिस्तान के स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है ये बात है। तो लिहाजा इस इलाके को यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक जो है हमें सेल्फ रोल देना चाहिए। और तीसरी बात ये कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनाब शाहिद खाकान आबाजी साहब की मैंने बड़ी बेइज्जती की उस वक्त, बहुत बड़े हमने हल्लागुल्ला किया। एक सिलेक्टेड आदमी का कोई ऑर्डर हमें कबूल नहीं है, जबरदस्ती करना है तो करे, जबरदस्ती तो चलता है। जनाब मैं आपसे वो गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुतफिक नहीं है, इससे ज्यादा और क्या इत्तेफाक हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पूरी चीज हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखा ना, अपनी मर्जी से फैसला करो कहा, इससे ज्यादा और क्या इत्तेफाक हो सकता है? उस करारदाद के खिलाफ मैंने वोट दिया था ना इस पूरे के मुकाबले में, लेकिन 32 लोगों ने तो माना था ना, तो 32 लोगों की बात क्यों नहीं मानी जाती है? इत्तेफाक की यहाँ पर बात नहीं है। ये बात भी गलत है कि असेंबली के अंदर जो है वो क्या कहते हैं मेजोरिटी नहीं है, तो लिहाजा ये पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ है कि एक मुतनाजा इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। ये बुनियादी तौर पर मेरा जाती तौर पर मैं ये नॉलेज है, ये हुकूमत पाकिस्तान का, हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के वफादार होते होते गिलगित बल्तिस्तान के गदर बन चुके हैं। हमने इतना कुछ अपने इलाके पर जुल्म किया है और क्या करें हम? सन 2009 के ऑर्डर के खिलाफ जितना हमने एहतजाज किया, क्योंकि हमारा सेगमेंट कम है, हम तादाद में कम लोग हैं, ये 18 के खिलाफ इतना नहीं हुआ था। मेरी पूरी कंपेन गेजर के अंदर 9 के खिलाफ थे, जिसमें टैक्सेस की बात थी, दूसरी थी पीपल पार्टी के, उसके खिलाफ भी हमारी कौम ने बड़ी इसी नेशनल प्रेस क्लब के सामने उसकी कापियां चलाई गई, उसके फोटोज, उसकी तस्वीरें हमारे पास है। हमने हमेशा ऑर्डर्स के खिलाफ की है। छोटा सा छोटा अख्तियार भी हो, कोई ऑर्डर क्यों करे, हमारी असेंबली क्यों ना पास करे, उसको हम क्यों ना